हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक बिंदास। आज मैं एक नई रेसिपी लेके फिर आपके सामने आ गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन पुलाव। इस रेसिपी को आपने बहुत बार देखा होगा पहले, लेकिन आज मैं जो तरीके से बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल अलग है। ऐसा आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो, और घर में तो जरूर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम मटन लिया है, अच्छे तरीके से धो लिए हैं। इसको हम मैरिनेट करेंगे। पहले मैंने दिया है नमक, उसके बाद करियंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप पेस्ट करके भी दे सकते हो। और ये है दही। वन टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब जिंजर गार्लिक को पीस लेंगे। आप लोग ग्राइंडर भी यूज कर सकते हो। कोई भी रेसिपी में आप फ्रेश मसाले यूज कर सकते हो, तो उसका जो टेस्ट वो बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए फ्रेश मसाले यूज करने की। पहले हम अनियन फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने दो अनियन लिया है। पूरा रेसिपी में हमने रिफाइंड ऑयल और घी यूज किया है। आप चाहे तो सिर्फ घी यूज कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पहले मटन का कुक करेंगे कुकर में। उसके लिए मैंने तेल लिया है, वो जो अनियन फ्राई किया था वही तेल मैंने यूज किया है यहाँ, और साथ में एक टेबलस्पून घी लिया है।
यहाँ खड़े मसाले हैं, कार्डमम, सिनामन, रेड चिली, ब्लैक पेपर, सब एक साथ दे देंगे। और ये है जयित्री एक टुकड़ा। अनियन लिए हैं, दो अनियन है यहाँ। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है वो फ्रेश मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मटन दे देंगे, मैरिनेटेड मटन। अब 2 मिनट के लिए ढक देंगे हम। अब मसाला थोड़ा पक गया है, अब हम ऐड करेंगे फ्राइड अनियन। मसाला पक गया है, दो कप वाटर पानी देंगे। स्वाद अनुजाई नमक, शुगर, अब 3 सीटी होने तक ये कुक करेंगे हम। 80% मटन कुक होना चाहिए। आप अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग सीटी दे सकते हो। ठंडा होने के बाद खोलना। अब हम छान लेंगे, इसका जो स्टॉक वो हमें ज़रूरत है।
अब यहाँ से हम मटन निकाल लेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं ये हम निकाल देंगे, क्योंकि ये मुंह में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खाने के समय मुश्किल होगा। ये है मटन स्टक और बाकी जो वो हम ले लेंगे। पहले हमने मटन स्टक दे दिया और वाटर हाफ कप, गरम मसाला पाउडर, और ये है जायफल नाटमेग, इसे थोड़ा सा जरूरत है, ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और घी, घी आपके स्वाद अनुजाई आपके हिसाब से देना। मटन और ये है बासमती राइस, ये आधा घंटा हम भिगो के रखा है। वाटर ऐड कर रही हूँ 1 कप एंड हाफ कप, स्वाद अनुजाई साल्ट लवण नमक, शुगर ऑप्शनल है, थोड़ा सा फ्राइड अनियन, ग्रीन चिली, वो पानी और राइस का रेशियो होगा 1:2, राइस 1 कप होगा तो पानी होगा 2 कप, ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा देना। पहले हम इसके ऊपर सिल्वर फॉइल से अच्छे से ढक देंगे। उसके बाद लीड लगाएंगे। अच्छे से कवर कर देना। उसके बाद 20 मिनट्स हम लो आंच पे लो हीट में कुक करेंगे। एक फ्लैट तवा के ऊपर हम रख दिया। मिनट बाद देखो इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, कुक हो गया, ऑलमोस्ट कुक हो गया। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम दिया है सैफ्रन वाटर, ये ऑप्शन है, थोड़ा पुदीना पत्ता, मिंट लीव्स। अब ढक देने के बाद हीट अप कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब रेडी हो गया। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।